हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में हमारी चल रही थी थर्ड एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे हम। उसमें हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.3। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस परम्यूटेशंस थी जो आप रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास थी द परम्यूटेशन of an object and different object and different objects taken are at a time without repetition। तो इसके लिए आपने परम्यूटेशन कैसे बनाई थी, एन पी आर। ओपन कैसे करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ एन आर, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमने की थी द परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। अगर हम एन नंबर्स की ही परम्यूटेशन करेंगे विदाउट रिपीटेशन, देन आपके पास फॉर्मूला क्या बना था, एन पी एन। इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ एन एन। एन ऑब्जेक्ट गिवन है और सारे ऑब्जेक्ट उठा के आपको परम्यूटेशन करनी है, यानी अरेंजमेंट करनी है, तो आपके पास बनेगा दिस। ये हमने सॉल्व किया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर की जगह पे यहाँ पे क्या है, एन पुट कर देंगे, तो आर के प्लेस पे एन रिप्लेस करेंगे, तो एन माइनस एन इज जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल हमारा वन होता है। इसका आंसर आया था एन फैक्टोरियल, ठीक है। थर्ड टाइप द परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken R at a time। यहाँ पे हमने बोला था विदाउट रिपीटेशन, अब हम लेके चल रहे हैं विद रिपीटेशन, यानी आप उनको रिपीट कर सकते हो विद रिपीटेशन। ये आपके पास क्या बनेगा, n ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, कैसे निकाला था हमने, ये R नंबर आपको सेट करने, यानी R प्लेसेस हम लेके चले थे, इसके पास एन वेज क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो सेकंड प्लेस के पास भी एन वेज बने थे, थर्ड प्लेस आरथ प्लेस इसके पास भी एन वेज बने, तो आर टाइम ये कंप्लीट जो आपके पास ये आर टाइम है, आर वैकेंट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे एन इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसकी अरेंजमेंट कितनी आ जाएगी, एन रेज टू पावर आर, ठीक है। एन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर टाइम, तो एन रेज टू पावर आर आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट हमने की थी परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नहीं यहाँ पे डिफरेंट नहीं लेते, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स in which R numbers या R objects लिख सकते हो, R objects are same। अगर n number given है और उसमें से R objects यानी R numbers same आ जाते हैं, तो permutation हमने कैसे find out की थी, the total number of arrangement अगर हम निकालेंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये हमने निकाली थी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी n ऑब्जेक्ट्स गिवन है
सबके आप अरेंजमेंट निकाल रहे हो और उसमें से आर ऑब्जेक्ट सेम दे रखे हैं, तो इसका फॉर्मूला बना था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन पी ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, यानी एन ऑब्जेक्ट्स में से पी ऑब्जेक्ट आपके पास सेम टाइप के हैं, वन काइंड के, और क्यू ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड अनदर काइंड, क्यू ऑब्जेक्ट सेम है बट पी से डिफरेंट है, आर ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, आर ऑब्जेक्ट आपके पास सेम है ऑफ येट अनदर काइंड जो पी और क्यू से भी डिफरेंट है। ठीक है, पी ऑब्जेक्ट, क्यू और आर, ये तीन आपके पास गिवन है, तीनों आपस में डिफरेंट है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, इसमें से पी यानी कि 10 नंबर्स हम 10 एलिमेंट हमने लिए एन, ठीक है, इसमें से दो एलिमेंट सेम ले लें, ओके, देन क्यू मान लिया तीन एलिमेंट इसमें सेम आ जाए, आर चार एलिमेंट सेम आ जाए, बाकी के अलग हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देख करके देखते हैं इसका, ए बी बी सी डी 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 ई ई ई ई एफ, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस तो यही हो गए, इसको ज़्यादा ले लो, इसको हम 15 ले लेते हैं। ठीक है, पी हमने एक, जैसे हमारे पास दो बी सेम आ गए, इसका मतलब पी ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं। ठीक है, डी ऑब्जेक्ट थ्री सेम है, तो क्यू तीन ऐसे हो गए जो एक ही तरह के हैं, तीन तीन डी तीन बार यूज हुआ, ई आपके पास चार बार यूज हो रहा है, ई चार बार फोर टाइम आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमने लेने 15, तो हम तीनों ले, इस तरह से हमने एन ऑब्जेक्ट है और आपके पास कितने नंबर जो वो सेम सेम चल रहे हैं, जैसे बी डी ई आपस में तो डिफरेंट है बट बी टू टाइम, डी थ्री टाइम एंड ई फोर टाइम यूज हुआ है। ठीक है, तो ये वही दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा परम्यूटेशन निकालने का, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो भी आपके पास सेम नंबर होते हैं, जितने भी होते हैं उतने ही नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास पी सेम नंबर है तो इससे हम डिवाइड कर देंगे पी फैक्टोरियल, क्यू सेम नंबर है इससे डिवाइड कर देंगे, एंड आर सेम नंबर है इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये फोर टाइप के आपके पास परम्यूटेशन है। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। 7.3, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब सबसे पहले आपको इस वर्ड के कितने आप वर्ड बना सकते हो इसको अरेंज करके, सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर जो लेटर गिवन है क्या वो डिफरेंट है या नहीं, क्योंकि जब भी आप परम्यूटेशन करते हो तो अलग अलग टाइप्स आपके पास गिवन होती हैं, तो यहाँ पे देखें तो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, ये आपके पास लेटर गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास 8 लेटर्स हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इन लेटर्स को से आप कितने वर्ड बना सकते हो यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ओके, तो हमारे पास ऐसा क्या था फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट किसकी कर रहे हो, ऑफ 8 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम एंड विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, क्या फॉर्मूला था इसका, हमने अभी पढ़ा था एन पी आर, एन आर हमारे पास जितने नंबर आप लेते हो, ठीक है, अगर आप टोटल ले रहे हो तो एन पी एन हमने सेकंड जो फॉर्म की थी वो हो गया था, तो यहाँ से आ जाएगा 8 P 8 रिपीटेशन। देखिए यहाँ पे एक जो आपके पास लेटर है डिफरेंट लेटर है, ठीक है, और सारे के सारे एक बार में, यानी कि ऐसा नहीं है कि चार लेटर उठाओ या पांच लेटर उठाओ, टेकन ऑल एट ए टाइम और विदाउट रिपीटिशन, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, दिस इज 0 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 एंड 1, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए एंड दिस इज द आंसर।
नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मंडे? आपके पास मंडे गिवन है, यानी एक दो तीन चार पाँच छः, छः लेटर का वर्ड गिवन है, इन लेटर्स को आपको अरेंज करना है, नो लेटर इज रिपीटेड, रिपीट नहीं करना लेटर को, तो आपको बताना फर्स्ट इज फोर लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। अगर आप चार लेटर एक बार में उठाते हो तो आपके पास क्या आता है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हमें फोर लेटर उठाने हैं, हमारे पास वर्ड गिवन है मंडे, एम ओ एन डी ए वाई, ठीक है, तो टोटल लेटर कितने हैं आपके पास, टोटल लेटर्स सिक्स, ठीक है, तो एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे सिक्स। कह रहा है कि फोर लेटर एक ही टाइम में हमें चार लेटर उठाने हैं, तो उसके आप वर्ड कितने बना सकते हो, तो आर हो गया हमारे पास फोर। यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे डिफरेंट लेटर है, कोई भी लेटर सेम नहीं है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशन कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू सिक्स पी फोर, दिस इज सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स माइनस फोर इज टू फैक्टोरियल, ओके, सिक्स फैक्टोरियल सिक्स इंटू, इसको माइनस कर दें, टू फैक्टोरियल आएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल और डिवाइड में टू फैक्टोरियल, ये इसे कैंसिल मल्टीप्लाई कीजिए एंड इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिए, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, अगर सारे के सारे लेटर्स को एक टाइम में उठाते हो तो सेम क्वेश्चन जो हमने एट्थ किया था वही बन जाएगा, ठीक है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड पार्ट को जब सॉल्व करते हो तो सारे के सारे लेटर उठाने, ऑल लेटर आर डिफरेंट, तो सिक्स पी सिक्स, दिस इज सिक्स फैक्टोरियल, ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, सिक्स फाइव फोर थ्री टू इंटू वन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। थर्ड कहता है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, लेटर तो सारे यूज करने हैं बट उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा वोवल होना चाहिए। देखिए वर्ड आपके पास गिवन है मंडे, इसमें से वोवल कौन कौन से हैं, ओ एंड ए, ठीक है, वोवल है आपके पास ओ एंड ए, यानी आपके पास दो वोवल हैं, ओके, आपके पास छः लेटर का वर्ड बनाना है, थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हमने कहा कि फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास वोवल आने चाहिए, वोवल हमारे पास कितने हैं, टू, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टू वेज हो जाएंगे, यानी कि इसको आप दोनों में से कोई भी फिल कर सकते हो, ओके, बाकी बचे हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, तो बाकी आपके पास एक नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव प्लेस और फाइव वर्ड, ठीक है, देन डिफरेंट वर्ड एंड कंप्लीट, पांचों के पांचों डिफरेंट वर्ड और पांच प्लेस आपके पास, तो ये आ जाएगा फाइव पी फाइव, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी टू इंटू फाइव पी फाइव, यानी कि टू इंटू फाइव फैक्टोरियल, ठीक है, फाइव फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मल्टीप्लीकेशन इज क्वेश्चन टेंथ, इन हाउ मैनी ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी, ये लेटर आपके पास वर्ड आपके पास गिवन है, इसके लेटर्स का यूज करके आपको परम्यूटेशन निकालनी है, कंडीशन क्या गिवन है, डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर, इस इन लेटर्स का यूज करके ऐसे वर्ड बनाओ जिसमें आइज, जो आपके पास चार आईज दे रखे हैं वो इकट्ठा नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई 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 और आई, इसमें चार बार यूज हो रखे हैं, एम, ये चार इकट्ठे आ जाए, एस 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 पी पी, ये बच गया आपके पास, तो इस तरह से लेटर आपके पास नहीं आने चाहिए, आपको ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि चार आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ओके। चलो देखिए, सबसे पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसके इक्वल होगी, कंप्लीट जो आपके पास लेटर है ये 11 लेटर गिवन है, ठीक है, हम कैसे निकालते हैं, अगर हम सब सारे लेटर्स का यूज़ करके परम्यूटेशन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड करते हैं जो लेटर आपके पास रिपीट हुए हैं, अब जैसे एस आपके पास कितने टाइम आया, वन टू थ्री फोर, चार टाइम, फोर फैक्टोरियल से डिवाइड, आई कितने टाइम आया, जो हमने लास्ट
टाइप की थी परम्यूटेशन की, 1 2 3 4, आई भी आपके पास 4 टाइम, दिस इज एंड पी 2 टाइम, दिस, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 11, 4 फिर 12 तक ओपन कर लेते हैं, 10 9 8 7 6 5 × 4 factorial, एक 4 को ओपन कर लीजिए, 4 3 2 × 1 × 4 factorial और 2 हो जाएगा दिस, कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे, यानी इतने लेटर आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसका आंसर है 3 4 6 5 0, 3 4 6 5 0, यानी टोटल नंबर आपके पास अरेंजमेंट इतनी आएंगी, इनको यूज़ करके, इन लेटर्स का यूज़ करके आप इतने वर्ड बना सकते हो इन्हीं लेटर्स से। चलिए देखिए, अब आपको ये बताना है कि 4 आई हमारे पास इकट्ठा नहीं आने चाहिए, तो हम उसकी परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, ऐसे वर्ड जिनमें जो 4 आईज हैं वो एक इकट्ठा आते हो, ठीक है। तो अब जैसे बनाओगे कैसे, जैसे हमने यही वर्ड बना रखा है एम आई 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 और आई, ये हमें इकट्ठा लेना है, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये हमें इकट्ठा लेना, तो यहाँ पे एक वर्ड काउंट होगा ये, देन आपके पास रह गया एस एस आई निकल गया, पी एंड पी आई यहाँ से भी चला गया, तो ये इस टाइप के वर्ड आपके पास रह जाएंगे। कितने बचे यहाँ से, ये चारों आई अगर आप इकट्ठा लेते हो तो इसको आप वन वर्ड काउंट करोगे, वन लेटर काउंट करोगे, तो लेटर टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 4 आईज कम टुगेदर, ठीक है। अगर आपके पास 4 आईज इकट्ठा आते हैं तो उसके हम अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, ये आपके पास क्या बनेगी, देखिए इसकी कैसे निकालेंगे। 4 आई इकट्ठा 1, तो आपके पास टोटल बने 2 4 6 और 2 8, 8 वर्ड सॉरी लेटर आपके पास टोटल बनते हैं, 8 लेटर। और जो डबल डबल यूज है उसको देखिए, एस 4 टाइम, पी 1 टाइम, तो एस हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम इंटू पी 2 टाइम, तो इससे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये आपके पास एक ही लेटर काउंट होगा, और ये आपस में अरेंज करेंगे, करेंगे तो ये भी अरेंज आपस में, बट ये अरेंज करेंगे तो आपके पास वही रह जाएगा 4p4, ठीक है। तो यहाँ से आईज की रिपीटेशन ले लेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 × 7 6 5 × 4 डिवाइड में 4 factorial 2 factorial, कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएंगे जिसमें चारों आईज इकट्ठा आते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास आते हैं 840, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 840। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल गई, ऐसे वर्ड मिल गए जिसमें 4 आईज इकट्ठा आते हैं। अगर हमें ऐसे वर्ड चाहिए जिसमें आई इकट्ठा ना आए तो टोटल में से माइनस कर देंगे जिसमें आईज इकट्ठा आते हैं। तो यहाँ से अगर आप करते हो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 आईज नॉट कम टुगेदर, अगर हमें इकट्ठा नहीं लेने तो टोटल में से माइनस कर देंगे जो इकट्ठा वाले आए, तो 3 4 6 5 0 - 8 4 0, तो ये वर्ड आ जाएंगे जिसमें आईज इकट्ठा नहीं आएंगे, डज नॉट कम टुगेदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, इसके अंदर आपके पास गिवन है परम्यूटेशंस, ये वर्ड आपके पास गिवन है और इसके लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है आपको। फर्स्ट टाइप गिवन है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। सबसे पहले तो देखिए इसमें टोटल नंबर लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर आपके पास लेटर्स के 12 हैं। तो सबसे पहले तो निकालिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, जो रिपीट हो रहे हैं उनको देखिए, परम्यूटेशंस ई नहीं है, आर एम
यू टी टी और टी रिपीट हो रखा है, ठीक है, एंड बस एक ही रिपीटेशन है, परम्यूटेशंस, जी हाँ एक ही रिपीटेशन है, ठीक है। तो इसका आपके पास क्या बन जाएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि आपके पास टी और टी यहाँ पे 2 टाइम यूज हुआ है, तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, 12 इंटू 11 इंटू 10 पूरा ही ओपन करना पड़ेगा, 9876543 इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइड में 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। फर्स्ट पार्ट कहता है कि ऐसे वर्ड बनाइए जो पी से स्टार्ट होते हैं एंड विद एस। फर्स्ट पार्ट देखिए, जो पी से शुरू हो ऐसे वर्ड एंड एंड होना चाहिए एस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जो आपके पास मिड में जो बच गए हैं लेटर, इनको आपको अरेंज करना है, क्योंकि दो तो आपके पास फिक्स हो गए, पी और एस। फर्स्ट प्लेस इज फिल बाय वन वे, वन लेटर से फिल करोगे इन वन वे, एंड लास्ट जो आपके पास प्लेस है दिस इज ऑल्सो फिल्ड इन वन वे। तो ये भी वन वे से, ये भी वन वे से, तो ये तो हो गए फिक्स। जो मिड के आपके पास बीच वाले जो लेटर बचे हैं, ये कितने बने, 12 थे टोटल, तो ये हमारे पास 10 लेटर बच गए, ठीक है। तो अब इनको आप अरेंज करिए, इनको अरेंज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स, कंडीशन क्या गिवन है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, तो ये बन जाएगा। इसके लिए तो हो गया 1 इंटू 10 लेटर्स के बनाइए, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी और एस को छोड़ देंगे, इन बीच की जो लेटर्स की इनकी परम्यूटेशन निकालनी है, तो इसमें फिर से आप चेक करोगे कि कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, तो हमारे पास रिपीटेशन किस में थी, टी में रिपीटेशन थी, दिस इज 2 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला भी क्या है आपके पास, वन वे से, तो वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाना है, तो आपके पास आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड इज देखिए, वोवल आर ऑल टुगेदर, जो वोवल्स हैं इसके अंदर वो आपके पास इकट्ठे आने चाहिए। सेकेंड, सबसे पहले तो वोवल निकालिए इसमें, ई यू ए आई ओ, पांचों के पांचों वोवल आ गए आपके पास, तो वोवल्स आ गए आपके पास ई ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसने कहा है कि वोवल्स सारे के सारे इकट्ठा लेंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, जब आपके पास इसका आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे कि वोवल हमारे पास इकट्ठा आने चाहिए, तो इकट्ठा आने की अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, परम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल हमने अगर इकट्ठे वोवल करने हैं तो पी आर एम यू को छोड़ देंगे, टी ए फिर से टी, देन आई और यू स्किप करेंगे, एन और एस, और इनको आपको इकट्ठा लेना है, ए ई आई ओ यू। जब भी आपके पास इकट्ठा लेने के लिए बोला जाता है, ऑल टुगेदर लेने के लिए बोला जाता है किन्हीं भी नंबर्स को, उसको हम वन टाइम काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे वन लेटर काउंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन दिस इज इक्वल टू कंप्लीट आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, रिपीटेशन किस में हो रहा है, टी में रिपीटेशन हो रहा है, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि ये जो वोवल है जिसको हमने वन लेटर काउंट किया है, ये भी आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था आई 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 4 टाइम, जो हमने इनको इकट्ठा लिया था, बट ये लेटर सेम है, अगर ये अरेंजमेंट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बट यहाँ पे डिफरेंट लेटर है, ओके तो यहाँ पे डिफरेंट लेटर गिवन है आपके पास, तो ये वोवल गिवन है, ये भी आपस में अरेंजमेंट करेंगे, इसलिए हमें इनकी भी अरेंजमेंट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब 5 डिफरेंट लेटर हैं और अपने आप में जो हो 5 वे में अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5P5,
फाइव डिफरेंट लेटर में से आप पांचों को उठा के अरेंजमेंट कर रहे हो तो एन पी एन का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन अगर आप इसका निकालते तो 8 × 6 × 8 × 7 6 5 4 3 × 2 ∗ 2 और ये आपके पास बन जाएगा 5 × 5 = 5 ∗ ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 5 ∗ ओपन करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कंप्लीट जो आपके पास मल्टीप्लाई आएगी सबके ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास वर्ड कंडीशन क्या होगी जिसमें वोवल जो है वो इकट्ठा आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ये टुगेदर के लिए बोलता है तो हम इनकी भी आपस में जो परम्यूटेशन निकालते हैं ठीक है, ये भी अपने आप को अरेंज करेंगे ओके। तो इस तरह से जब हमने आई वाले में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेम लेटर गिवन थे बट यहाँ पे डिफरेंट लेटर गिवन है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड कहता है देर आर ऑलवेज फोर लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में जो है वो चार लेटर होने ही होने चाहिए। इस तरह से अरेंजमेंट कीजिए, देख आपके पास टोटल नंबर गिवन है 12 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ ले लेते हैं 12। हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, हमारे पास 12 लेटर गिवन है पी से लेकर एस तक। अब इसने ये कहा है कि पी और एस के बीच में चार लेटर आने ही आने चाहिए। मान लिया हमने फर्स्ट प्लेस पे फिल कर दिया पी, फर्स्ट पे हमने पी ले लिया तो इसमें चार लेटर को छोड़ के 1 2 3 4 इसके बाद जो पांचवा होगा वो डेफिनेटली एस होगा ठीक है, समझ में आई बात। तो पी चार लेटर ले लें बीच में, यहाँ पे हमारा एस आ गया, देन एस को इस प्लेस से लेकर आगे तक कहीं भी फिल कर सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7। तो एस को फिल करने का तरीका आपके पास यानी कि आप 7 तरीके से 7 वेज में एस को फिल कर सकते हो ठीक है। अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एस को लास्ट में, लास्ट प्लेस पे ले लीजिए, अगर मैं एस को यहाँ ले लेती हूँ तो पी कहाँ फिल करेंगे 1 2 3 4 फोर लेटर पी और एस के मिड में आने चाहिए तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चार लेटर की कंडीशन फुलफिल हो गई, चार लेटर दोनों के बीच में आ रहे हैं बट यहाँ पे एस फिक्स हो गया तो यहाँ से हम पी के नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस पे आप पी को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। देन आपके पास जैसे अगर मान लो पी को मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो एस यहाँ पे खिसक जाएगा क्योंकि हमें इसके बीच में चार लेटर ही रखने हैं। ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर हम पी को इस प्लेसेस पर रखते हैं तो बीच के चार लेटर हो गए, अगर पी को नेक्स्ट प्लेस पे लेती हूँ तो एस को भी नेक्स्ट प्लेस पे आना पड़ेगा यानी ये हो जाएगा ठीक है। और इधर से अगर पी को मैं यहाँ पे लेती हूँ तो एस यहाँ आ जाएगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो पी और एस के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर पी इज 7, 7 तरीके से कहीं भी फिल कर सकते हो, देन चार लेटर छोड़ के हमारा एस आ जाएगा ठीक है। सेम टू सेम एस के लिए हो जाएगा 7 वेज। देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर पी 7 ठीक है एंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर एस के लिए भी 7। 7 इसलिए क्योंकि पी को आप कहीं पे भी फिल कर रहे हो, मान लिया हमने पी को सेकंड प्लेस पे ले लिया तो चार नंबर छोड़ के पांचवे पे फिर से एस को आ जाना है ठीक है। तो इस तरह से साथ साथ चार तो फिक्स हो गए कि इनके बीच में पी और एस के बीच में नंबर आएंगे तो बाकी जो प्लेस बच गए वहाँ पे पी और एस को कहीं पे भी आप ले सकते हो। अब हम ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने एस इधर ले लिया तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कंडीशन क्या बनी पी एंड एस और एस एंड पी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एस को यहाँ लेते हो तो पी यहाँ पे आ जाएगा और अगर आप पी को यहाँ पे फिक्स करते हो तो हमारा एस इधर आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे अगर हम इनकी भी इंटरचेंज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
ऑफ लेटर पी एंड एस 7+7 दिस इज 14। तो हमने दो लेटर की अरेंजमेंट निकाली है ओनली पी एंड एस की, ठीक है। अब जो बाकी बची है उन लेटर्स की अरेंजमेंट देखिए, पी और एस को छोड़ के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर आपके पास कितने थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेटर थे आपके पास, ठीक है। तो बाकी जो आपके पास परम्यूटेशन बच जाती है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, अगर 4 लेटर हम पी और एस के बीच में लेते हैं देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, पी और एस दो लेटर की हमने निकाली थी 14, मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाकी 10 लेटर बच गए। अब देखो 10 लेटर पी और एस को छोड़ के बाकी के 10 लेटर बच जाते हैं दिस। अब इनमें देखिए कि रिपीटेशन किस में हो रहा है, टी और टी में रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा 10 factorial divided by 2 factorial, इसको सॉल्व करेंगे देन दिस इज द आंसर। चलिए एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट। नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, इसके लेटर्स का यूज़ करके आपको इनके 8 लेटर्स वर्ड अरेंजमेंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर गिवन है। फर्स्ट कहता है कि ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, कि सारे वोवल इकट्ठा आने चाहिए। तो सबसे पहले तो वोवल निकाल लीजिए कौन कौन से हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, वोवल्स ए यू ई, यहाँ पे हमारे पास 3 वोवल यूज़ हुए हैं, ए यू एंड ई, ठीक है। हम इसने कहा कि सारे वोवल इकट्ठा आने चाहिए देन आप परम्यूटेशन निकालिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेगी, सबसे पहले तो वोवल इकट्ठा लेने, तो आपके पास वर्ड किस टाइप का बनेगा, डी ए और यू निकाल दिया हमने, जी एच टी आर और वोवल लेने हैं इकट्ठा ए यू ई, इस तरह से आपके पास वर्ड बनेगा, ठीक है दिस। अब इस वर्ड की अरेंजमेंट करनी है आपको, कितने वर्ड हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक वर्ड काउंट होगा। इसने कहा कि वोवल इकट्ठा लेने हैं तो वो हमारे पास एक वर्ड काउंट होता है, तो हम आपके पास कंप्लीट हो गए, दिस इज 5 एंड 6 factorial डिवाइड बाय, कोई आपके पास रिपीटेशन नहीं हो रखी तो आप रिपीटेशन वाला हम मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 factorial इनटू जो 3 आपके पास वोवल्स हैं, ये भी आपस में अरेंज करेंगे, मतलब ए ई यू ऐसे ले सकते हैं, आ तो इकट्ठा ही रहे हैं बट आपस में अरेंज कर सकते हैं, ई ए यू इस तरह से आ जाए, तो इनकी अरेंजमेंट भी आपको निकालनी पड़ेगी, तो 3 डिफरेंट हैं देन 3 factorial ये आ जाएगा आपके पास जब आपके पास वोवल इकट्ठा होंगे इसकी परम्यूटेशन। देन हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स, अगर हम 8 लेटर्स की, ये हमने कब निकाली, जब हमने ऑल वोवल्स कम टुगेदर, जब हमने वोवल इकट्ठा लिए, ये उसकी अरेंजमेंट है, ये हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर यानी 8 लेटर्स के अरेंजमेंट, टोटल के सारे आपके पास डिफरेंट है 8 factorial, किससे आता है ये 8P8, ठीक है, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट देन ये आ जाएगा। तो हमें इसके एक फर्स्ट वाले का आंसर तो ये आ जाएगा, अगर हम सेकंड वाले का आंसर निकालेंगे कि आपके पास ऑल वोवल्स डोंट अकर टुगेदर, सारे वोवल इकट्ठा नहीं आने चाहिए, तो टोटल अरेंजमेंट में से हम माइनस कर देंगे जिसमें वोवल इकट्ठा हमने निकाले हैं, तो सेकंड का क्या आ जाएगा, सेकंड की अगर हम अरेंजमेंट निकालते हैं कि आपके पास वोवल इकट्ठा नहीं आने चाहिए, तो ये आ जाएगा 8 factorial minus 6 factorial into 3 factorial, ये इसका आंसर आ जाएगा कि जब आपके पास वोवल इकट्ठा नहीं लेने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, इसने कहा कि फर्स्ट कह रहा है कि हमारा जो लेटर है, जो भी आप वर्ड बनाओगे वो पी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके पास कंप्लीट लेटर गिवन है, ओके। जो रिपीटेशन है वो भी देख लीजिए किस किस की है, डी
डी रिपीट हो रहा है एन एंड एन एंड एन थ्री टाइम एंड इसके बाद ई एंड ई एंड ई एंड ई ठीक है, ये आपके पास फोर टाइम रिपीट हो रहा है और रिपीटेशन कोई नहीं है और नहीं है। चलिए देखिए टोटल नंबर, सबसे पहले तो आप निकालिए कि हमारे पास जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, तो पी लेटर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया पी से कि फर्स्ट वाला तो पी ही रहेगा, तो फर्स्ट प्लेस को अगर आप फिल करते हो तो वन वे में फिल हो जाएगा। बाकी जो 11 बच जाते हैं, 11 लेटर बच जाते हैं, तो उसके आप अरेंजमेंट कैसे निकालोगे, फर्स्ट के डायरेक्ट कर रही हूँ, अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे हम, वन इंटू वन किसके लिए लिया, जो हमने पी लेटर को फिक्स किया है पहले प्लेस पे, उसकी आप अगर अरेंजमेंट करते हो तो एक ही तरीके से कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि वहाँ पे पी ही आपको फिल करना है। बाकी बच गया आपके पास 11 लेटर, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीटेशन है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, एन 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 थ्री टाइम, थ्री फैक्टोरियल, नेक्स्ट डी एंड डी टू टाइम इंटू टू फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट ई वन टू थ्री फोर फोर फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा जब आपके पास वर्ड पी से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म देखिए, सेकंड आपके पास है डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, अभी जो हमने किया था सेम टू सेम वैसे ही, जो वोवल आपके पास वो इकट्ठा आने चाहिए, अब इसमें से वोवल निकाल लीजिए, जो वोवल्स बनेंगे क्या क्या आएंगे, आई एन डी ई देन पी, इसके बाद फिर से ई आ रहा है, देन एन डी फिर से ई आ रहा है एंड एन सी एंड लास्ट में फिर से ई आ रहा है। जो जो वोवल थे हमने इसमें से वो निकाल लिए, आई ई ई ई एंड ई, ठीक है, तो ये वोवल हमारे पास आ गए। आपको क्या करना है कि इन वोवल्स को इकट्ठा लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव का हम मान के चलेंगे एक लेटर क्योंकि इसने बोला है कि सारे वोवल्स को इकट्ठा लेके चलो, ठीक है, तो इसके ये बन गया हमारे पास वन लेटर अगर हम इनको इकट्ठा लेते हैं, इसको काउंट करेंगे वन लेटर में, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, परमुटेशन आ जाएगी इनके पाँच, आपके पास ये आ गए 12 में से पाँच माइनस करते हो बाकी बचे 7 लेटर, ठीक है, जो 7 लेटर बच गए वो लिख लीजिए यहाँ पे, जो आपके पास रिमेनिंग लेटर्स हैं वोवल्स को निकाल के, रिमेनिंग लेटर्स कौन कौन से बचे भाई, एन डी ई हमने निकाल लिया, देन पी एन डी और एन सी, ये बच गए आपके पास जो रिमेनिंग लेटर है, ठीक है। अब अगर आप प्रमोटेशन निकालते हो तो कैसे करेंगे, सेकंड कंडीशन की वोवल हमारे पास इकट्ठा आना चाहिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक वोवल वाला एट, एट लेटर हो गए टोटल, डिवाइड बाय जो जो आपके पास रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ इसमें देखेंगे हम, वोवल वाले में रिपीट नहीं करेंगे, इसमें अगर जो रिपीटेशन है डी और डी की, एन एन और एन की, यानी टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। अब हम करेंगे इन वोवल्स को अरेंज, क्योंकि वोवल भी अपने आप को अरेंज करके चलेंगे, तो ये आपके पास टोटल फाइव लेटर है, तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय, डिवाइड क्यों करेंगे क्योंकि इसमें आपके पास चार लेटर सेम दे रखे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे फोर फैक्टोरियल से, देन दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड, व्हेन डू ऑल वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड में आपको क्या करना है, डू द वोवल नेवर अकर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर देंगे सेकंड वाला पार्ट, टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे हम, टोटल अरेंजमेंट क्या बनेगी, यानी कि इसकी निकालनी है आपको 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या क्या आएगा आपके पास, रिपीटेशन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट निकाली हमने इंडिपेंडेंस के, कि आप इसको इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, वोवल की हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है, तो अगर आप थर्ड पार्ट निकाल रहे हो कि वोवल हमारे पास इकट्ठा नहीं आने चाहिए, देन उसकी अरेंजमेंट बनेगी, इसमें से ये माइनस कर देंगे टोटल परम्यूटेशन में से इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, माइनस कर देंगे जो वोवल इकट्ठा आए हैं हमारे पास,
इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके इसको इसमें से माइनस करेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा व्हेन वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। फोर देखिए, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड विद पी, सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई करोगे। भाई शुरू कह रहा है कि आई से होना चाहिए, फर्स्ट के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और लास्ट में कह रहा है कि एंड होना चाहिए पी वर्ड से। तो आई वर्ड और पी वर्ड दो प्लेस तो फिक्स हो गए 1:1 से। जो मिड में बच गए आपके पास वो देखें, हमने यहाँ पे आई फिल किया है, यहाँ पे हमने पी फिल किया है, दिस इज आई गिवन, ठीक है। अब बीच में बचे आपके पास 10 लेटर, इसके निकाल दीजिए परमुटेशन, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आई और पी को छोड़ के बाकी जो रिपीटेशन बच जाती है उससे आप डिवाइड करोगे ई ई वाली और एन की एंड डी की, वही आ जाएगी 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड विद पी, ठीक है। तो ये थे आपके पास एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ऑफ 7.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन।